मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब थाली बजाने और ताली बजाने, शंख बजाने, घंटी बजाने की अपील की गई थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सामने आए थे और शाम 5 बजे उन्होंने घंटा बजाकर कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन किया था। और यह सीधी तस्वीर आनी शुरू हो चुकी है, तैयारियां देखिए, वहां भी ओम शब्द लिखा हुआ है। गाजियाबाद में भी हमने तस्वीर दिखाई थी, यूनिवर्सल ये वर्ड है ओम। इसके उच्चारण में आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो इसके भी कई साइंटिफिक रीजन है, हालांकि आज उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि ये हिंदू धर्म में यूज होता है, लेकिन आज धर्म और जाति से ऊपर उठकर बात करनी है, आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करनी है। आज प्रदेश के मुखिया देखिए खुद सामने आ गए हैं और इसी को कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, कि जब संकट कोई ऐसा आ जाए आपके घर में, संकट बड़ा हो, तो जो घर का मुखिया होता है वो सामने खड़ा हो जाता है उस संकट से लड़ने के लिए। दीप प्रज्वलित किया है, एक एक दीप जलाने के इस आह्वान के साथ देखा है। सचमुच कोरोना वायरस के खिलाफ जिस लॉकडाउन की कार्रवाई को पूरे देश के अंदर हर एक तबके के लोगों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, वह भारत की एकजुटता और दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है, इसके बेहतर परिणाम आएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और दुनिया के सामने भारत की 130 करोड़ आबादी की ताकत का एहसास भी दुनिया महसूस करेगी। आज का जो प्रत्येक व्यक्ति ने रात्रि 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक का दीप प्रज्वलन का, मोमबत्ती प्रज्वलन का, टॉर्च या मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रधानमंत्री जी के प्रति और देश के प्रति दिखाने का जो कार्य किया है, मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से इस सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन की कार्रवाई जब तक चलेगी वे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरीके से इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि कोरोना के खिलाफ हम इस लड़ाई को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज इस दीप प्रज्वलन के इस अभियान में सहभागी बनने वाले सभी प्रदेशवासियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।